हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी काफ़ी सिंपल और हेल्दी है। विंटर सीजन में तो हम सभी वेजिटेबल सूप ज़रूर बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर मैंने वेजिटेबल सूप को किस तरह से बनाया है और इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। वेजिटेबल सूप को बनाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ सब्ज़ियाँ चाहिए होंगी, तो विंटर सीज़न में जो भी सब्ज़ियाँ आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे कैप्सिकम है, बंद गोभी है, गोभी है, गाजर है, मटर है, बीन्स है और यहाँ पर स्प्रिंग अनियंस है। इसके अलावा आप अपनी चॉइस की भी कोई भी सब्ज़ियों को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा बटर। आप चाहें तो सिर्फ बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली बटर डालने से क्या होता है कि बटर जो है वो जलने लगता है, इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसमें डाले हैं थोड़े से बारीक कटे हुए लहसुन। जब लहसुन थोड़ा सा पक जाए तो उसमें डालना है हमें थोड़ा सा प्याज और घिसे हुए अदरक। इन सबको हमें अच्छी तरह से भून लेना है, तो बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है इसे, बिल्कुल लाल नहीं करना है, हल्का सा सॉटे करना है। और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है सारी हरी सब्ज़ियाँ, जैसे कि मटर, शिमला मिर्च, गोभी, बीन्स, टमाटर, गाजर और यहाँ पर पत्ता गोभी। आप चाहें तो थोड़ा कॉर्न भी डाल सकते हैं। और सब्जियों को यहाँ पर हमें 2 मिनट तक थोड़ा सॉटे कर लेना है, बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। और इसमें सॉटे करने के बाद आपको थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है ताकि ये जल्दी से गल जाए। तो यहाँ पर मैंने सब्जियों में थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है और ये जब थोड़ी सी भुन गई है तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर के लगभग पानी ऐड कर दिया है। सब्जियों की क्वांटिटी के हिसाब से आपको यहाँ पर पानी यूज़ करना है और आपको ये भी देखना है कि आपको कितनी सर्विंग निकालनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पानी यूज़ कीजिए। पानी डालने के बाद आपको इसे ढक कर के कम से कम 4 से 5 मिनट तक बॉईल करने के लिए छोड़ देना होगा। फ्लेम को मीडियम पर रखिएगा। जब तक हमारी सब्जियां बॉईल हो रही हैं तब तक यहां पर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और उसे पानी में इस तरह से डिसॉल्व कर दिया है और एक बैटर बना लिया है। अब हमारी जो सब्जियां हैं वो फाइनली 4 से 5 मिनट हो गए हैं और वो अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी हैं और ये थोड़ी सी गल गई हैं और पक भी गई हैं, तो अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो देखिए हमारी सब्जियां जो हैं अच्छी तरह से पक चुकी हैं। इसमें मैं अब थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन डाल रही हूँ। स्प्रिंग अनियन डालने के बाद हमने जो कॉर्नफ्लोर का बैटर प्रिपेयर किया था उसे इसमें ऐड कर देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर इसमें नहीं डालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप डाल देंगे तो ये काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो आपको थोड़ी सी थिन कंसिस्टेंसी की रखनी है, तो आपको थोड़ा सा 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर यूज़ करने से ही हो जाएगा। अब इसे ढक करके 4 से 5 मिनट तक बॉईल होने दें। इस प्रोसेस से कॉर्नफ्लोर भी थोड़ा सा थिक हो जाएगा और हमारे सूप की कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से स्प्रिंग अनियंस और ब्लैक पेपर पाउडर और इसे अच्छी तरह से एक मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा सूप जो है वो फाइनली बन करके रेडी है। इसको बिल्कुल गर्मा गर्म ही सर्व करना है और सर्व करते टाइम आप ऊपर से थोड़ा सा बटर डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर पाउडर डाल सकते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल परफेक्ट आई है। बस इसे गर्मा गर्म सर्व करें। ये रेसिपी काफ़ी हेल्दी है और बनाने में काफ़ी इजी भी है, तो इस विंटर सीज़न इसे ज़रूर ट्राई करें। आई होप ये रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी है। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।